छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना, घर की छोटी बड़ी चीजों को करीने से संभाल करके रखना और अपने स्मार्ट आइडिया से घर को सजाना, सवारना, सुव्यवस्थित करना आज की स्मार्ट होम मेकर की पहचान है। तभी तो हम हाउसवाइफ से होम मेकर कहलाते हैं दोस्तों, है ना। आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही स्मार्ट तरीके जिससे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से हर चीज़ का ख्याल रख सकते हैं और अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोजाना चावल खाने से हमारे शरीर में कई तरीके नुकसान होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम में से काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो फिर भी सब कुछ जानने के बाद में भी रोज़ाना चावल खाते हैं, है ना। मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही है। चावल के अंदर होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि हमारे बॉडी को डायबिटीज, शुगर, मोटापा वगैरह और गठिया जैसी प्रॉब्लम देता है। इसीलिए कहा जाता है कि चावल को कम मात्रा में खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप डेली खाते हैं तो उसको इस तरीके से खाएंगे तो वो इतना नुकसान नहीं देता है। चावल को पानी में उबालें, अच्छे से पकाएं और उसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है या जिसको हम मांड बोलते हैं उसको निकाल करके अगर आप चावल को खाते हैं तो वो इतना नुकसानदायक नहीं होता है। इसकी जगह पर जो मांड हम निकाल करके फेंक देते हैं उसको फेंकने की जगह अगर आप पीते हैं उसको अलग से तो वो एनर्जी देता है, काफ़ी एनर्जी बूस्टर है वो तो, और पेट खराब वगैरह होता है तो उसमें भी काफ़ी काम में आता है। पानी निकाल देने से चावल तो इतने नुकसान नहीं देते हैं, साथ ही खिले खिले और सफ़ेद भी बनते हैं। कि जिस तरह से बाकी चीज़ें हम क्लीन करते हैं उसी तरीके से कॉम को भी रेगुलर बेसिस पर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पर क्लीन नहीं करते तो आपने देखा होगा कॉम कुछ इस तरीके से गंदे हो जाते हैं। ये दिखने में तो गंदे लगते ही हैं, फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं और कई बारी तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो इनको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं एक पुरानी बकेट में थोड़ा सा जो भी लिक्विड डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं वो ले लेती हूँ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेती हूँ, खाने वाला सोडा, उसमें गर्म पानी डाल करके कॉम को थोड़ी देर के लिए इसमें इस तरीके से डिप करके रख देती हूँ। जितना भी मैल होता है वो आसानी से निकल जाता है, आपको हल्का सा ब्रश मारना होता है और कॉम पहले जैसे बिल्कुल नए हो जाते हैं। बेकिंग सोडा डालने का एक कारण ये था कि जितना भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जमा होते हैं वो भी इससे मर जाते हैं। अब देखिए रनिंग वाटर में मैंने वॉश कर दिया, सारे कॉम बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं, है ना, कितना आसान तरीका। इस तरीके से मंथ में एक बार तो अपने सारे कॉम्स को अच्छे से क्लीन करना ही चाहिए। इस तरीके से साफ सुथरे भी हो जाते हैं, गंदगी भी बहुत आसानी से निकल जाती है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, घर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की पहुंच से हमें दूर रखनी चाहिए, लेकिन उनको अगर ऐसे वैसे छोड़ देंगे ना तो वो चीज़ हमारे बच्चों के लिए भी और घर में भी यहाँ वहाँ पड़ी होती हैं तो अच्छी भी नहीं लगती। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डब्बे का मैं यूज़ करती हूँ जिसके अंदर ये सारी असेंशियल चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। अब देखिए ये कमांड हुक वगैरह है और ये मेरे क्लिप्स वगैरह हैं कुछ जो कि मल्टीपल चीज़ों में काम में आते हैं। ये एक स्विच बोर्ड के पीछे वाला हिस्सा है जो कि कब काम में आ जाए कुछ कह नहीं सकती। छोटी छोटी दो टॉर्च रखती हूँ इस डब्बे में, क्योंकि अगर कभी कहीं कुछ ढूंढना होता है कपबोर्ड में तो फिर ये टॉर्च बड़े काम में आती हैं, तो इनको भी इसी डब्बे में संभाल करके रखती हूँ। और हाँ, ये इस तरीके के जो भी आप कॉकरोच वगैरह के लिए यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें, ये बच्चों की पहुंच से दूर रहनी चाहिए तो इस तरीके से एक डब्बे में मैं पैक करके रखती हूँ। जब भी इनका यूज़ करती हूँ तो ग्लव्स ज़रूर रखती हूँ, प्लास्टिक वाले, उनको पहन करके यूज़ करती हूँ। नेप्थलिन बॉल्स वगैरह है, इनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, तो इस तरीके से डब्बे में करके रखेंगे तो किसी भी अलमीरा में क्यों ना रखें, ये आपकी बाकी चीज़ों में स्मेल नहीं देगी। इसके साथ ही नेक्स्ट टिप है, आप में से कई फ्रेंड पूछते हैं छोटे छोटे कॉकरोच के लिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप एंटीरोज जेल ये वाला यूज़ करेंगे तो आपके घर में काफ़ी हद तक कॉकरोच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये एक जेल बेस होता है, इंजेक्शन टाइप का है, हल्का सा लगा देते हैं तो 1.5 से 2 महीने काम करता है और इसको लगाना भी बहुत आसान है, डिप नहीं करता है, ईजिली आराम से इसको यूज़ किया जाता है। नेप्थलिन बॉल से भी घर के अंदर जो चींटियाँ वगैरह होती हैं वो नहीं रहती हैं। बाथरूम में भी रखती हूँ मैं इसको, इससे खुशबू बनी रहती है, चींटियाँ वगैरह किचन में रख दो कहीं तो दूर रहती हैं।
घर में एक छोटी सी जगह इन सभी जरूरी चीजों के लिए जरूर बनानी चाहिए। अच्छा, घर के कई हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर अनवांटेड वायर जो है वो देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनको हम हटा भी नहीं सकते, तो उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए मैं यूज करती हूँ इस तरीके के क्लिप्स का। ये क्लिप्स जो हैं वो गार्डनिंग में यूज़ में आते हैं। जब आपकी कोई भी वाइन यानी कि बेल कोई भी आपकी होती है पौधे की, तो उस अगर उसको आपको दीवार पर चढ़ाना है या कहीं पर हैंग करना है, तो इस तरीके के क्लिप्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैं इसको गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। इसके साथ में आता है ये इस तरीके का एडहेसिव। इसको इस तरीके से पील करके आपको प्लास्टिक का जो ये क्लिप है इसके ऊपर लगा देना है, दूसरे साइड का पील करना है, और जहाँ पर भी वॉल के ऊपर लगाना है, कहीं पर भी लगाना है, इसको इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद में जो भी वाइन होती है उसको आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं दूसरी तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इसको वायर फिक्स करने के लिए मैं लगा रही हूँ। सारे वायर जो सारे में फैले हुए थे, देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, यहाँ पर एक जगह ही इकट्ठे हो गए हैं, और ये बहुत ही आसानी से निकाला भी जा सकता है। ज़्यादातर घरों में लॉन्ड्री का काम अल्टरनेट डेज पर या डेली बेसिस पर होता ही है, लेकिन उनमें काफ़ी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो आयरन करके हम यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो आयरन वाले कपड़े होते हैं ना, उसको हम कहीं पर भी एक जगह डंप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम बास्केट वगैरह में भी डालते हैं तो वो बास्केट में ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अगर हल्की सी चाहे अनइवन ही आपने उसको फोल्ड कर दिया है, तो वो एक तो जगह भी कम लेते हैं, दूसरी चीज़ ये कि ऑर्गेनाइज लगते हैं। तो मैं तो इनको इस तरीके से कपड़े में बांध करके रख देती हूँ। आयरन करने वाले जितने भी कपड़े होते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। अगर इनकेस मुझे टाइम नहीं लगा या मैं नहीं कर पाई, तो आयरन को अगर भेजना है तो ऐसे ही हम उठा करके दे सकते हैं। तो ये ईजी रहता है, देखने में ख़राब भी नहीं लगता है, और सबको पता होता है कि आयरन वाले कपड़े जो हैं वो इसमें से निकालने हैं। घर में अलमीरा या कबर्ड कितनी भी क्यों ना हो, हमेशा कम ही पड़ जाती है। उसका रीज़न एक ये है कि हम कपड़ों को जब उसके अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कई बारी उनकी फोल्ड हम इस तरीके से करते हैं कि उसमें ज़्यादा स्पेस ले लेती है। तो इसके लिए बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि कपड़ों को जितना हो सके छोटी फोल्ड कर अगर हम रखेंगे, तो वो स्पेस भी कम लेते हैं, देखने में ऑर्गेनाइज भी लगते हैं, और कई कपड़े तो ऐसे होते हैं उनको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मेरी बेडशीट्स को मैं आयरन बहुत रेयरली करती हूँ, क्योंकि इनको मैं फोल्ड इस तरीके से करती हूँ, जब भी मैं इनको खोल करके स्प्रेड करती हूँ ये कहीं से भी क्रश नहीं होती है। अगर हाँ, फिर भी अगर आपको आयरन करना ही है, और अगर आप घर पर आयरन करते हैं कपड़े, तो एक अच्छा तरीका है कि आयरन करने वाली जगह पर अगर आप अपनी बेडशीट्स को स्प्रेड करेंगे, तो इजीली आपकी बेडशीट बिना मेहनत के आयरन हो जाएगी। सुपरमार्केट से शॉपिंग करना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन सुपरमार्केट जाते समय हम क्या करते हैं, अपना बजट तो ध्यान में रखते हैं, वहां जाकर के भूल जाते हैं, जिससे कि हम अनवांटेड चीज़ें ले आते हैं, और इस चक्कर में हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। तो इसके लिए बेहतर है जब भी सुपरमार्केट जाएं, एक लिस्ट अपने साथ में लेकर के जाएं, और वहां से जो भी शॉपिंग करेंगे लिस्ट से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा हम नियम बना लेते हैं, तो एक बजट हमारा फिक्स रहेगा हर चीज़ के लिए। ये एक छोटी सी स्प्रे बॉटल, देखने में जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा ये काम की है। मैं इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ करती हूँ। एक बारी को देखने में लगता है कि ये कितनी ज़्यादा काम में आ सकती है, लेकिन इससे मैं किचन में क्लीन करने के काम में लेती हूँ। इसके अलावा गार्डनिंग में भी इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है, और इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन बना करके इजीली आप अगर फिल करके रख देंगे, तो बस स्प्रे करना है और हैंड टू हैंड आपकी क्लीनिंग इजी हो जाएगी। और इसके लिए आपको बाज़ार से महंगे क्लीनर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। जो DIY होममेड क्लीनर मैं भी यूज़ करती हूँ, वही आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। बेकिंग सोडा, विनेगर और वाटर को लेकर के लिक्विड डिशवॉश में हल्का सा मिक्स करें, और एक ये सॉल्यूशन बन करके आपका रेडी है। इससे डेली की क्लीनिंग अगर आप करते हैं हर कुकिंग के बाद में, तो आपके किचन में जितनी भी चींटी, मक्खी, मच्छर की प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। हालाँकि इस तरह की बड़ी स्प्रे बॉटल भी आती है जो कि गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको केवल गार्डनिंग में ही यूज़ किया जा सकता है, ये किचन में यूज़ नहीं होती। तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी बॉटल ली है, इसको मल्टीपल तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, और यूज़ मैं आपको आगे भी बताऊँगी। गार्डनिंग का शौक तो हम सभी को होता है, लेकिन कई बारी भारी गमले उठाने से कमर का बैंड बच जाती है, जिसके कारण से
हम गार्डनिंग को अवॉइड करते हैं और छोटे छोटे प्लांटर रख देते हैं, लेकिन अब अपने इस शौक को मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर गमले भारी लगते हैं तो मिट्टी के गमलों की जगह प्लास्टिक के गमले यूज़ किए जा सकते हैं, सस्ते भी पड़ते हैं, उठाने में भी इजी रहते हैं। अगर गमलों में भरी हुई मिट्टी भारी लगती है तो उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कोकोपीट। कोकोपीट को आप मिट्टी में मिक्स करके अगर यूज़ करते हैं तो उससे आपके पौधों में रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती, पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पानी देने की प्रॉब्लम भी नहीं होती और ये आपके गमलों को बहुत हल्का रखते हैं। क्योंकि मिट्टी भारी होती है और कोकोपीट काफ़ी हल्की होती है, तो दोनों को अगर हम मिक्स करके रखेंगे ना तो आपका पौधा तो बढ़ेगा ही बहुत अच्छे से, साथ ही साथ आपका गमला बहुत हल्का रहेगा, यानी कि आप भी खुश, पौधे भी खुश और गमले भी खुश। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह की ब्रिक आती है 1 किलो 2 किलो 5 किलो में, तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उस ब्रिक को लीजिए और बस तोड़ करके रख लीजिए, जितनी ज़रूरत है उसको पानी में मिलाइए, आधा घंटा में ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। हाथ से निचोड़िए और उसको सुखा दीजिए, आधा घंटा के लिए आप सुखाएंगे और उसके बाद में आप उसको अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं, गीली भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। अगर बच जाए तो उसको किसी भी बोरी में बांध करके रख दीजिए और वो जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, 6 महीने साल भर बाद भी यूज़ करेंगे तो कभी ख़राब नहीं होती है। हाँ, ड्राई हो सकती है तो उसको आप फिर से पानी में भिगो करके गीला कर सकते हैं और ये 100% ऑर्गेनिक होती है। मैं अपने पौधों की मिट्टी को हल्का रखने के लिए हमेशा कोकोपीट मिक्स करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी रह जाता है तो वह ऐसे भी कर देती हूँ, लेकिन वो गमले भारी हो जाते हैं तो जब भी मेरे पास कोकोपीट मैं खरीदती हूँ तो उन गमलों में मिक्स कर देती हूँ। इस तरीके से मेरे सभी पौधे हरे भरे बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज के ये टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी टिप आपके काम का है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप इस पर लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए एक और टिप आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। शाम के समय बच्चों को भूख लगती है तो हम बाज़ार से कुछ ना कुछ ऐसा दिला देते हैं जिससे कि बनाने की मेहनत तो बच जाती है लेकिन बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और ईजी वाली रेसिपी जो बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो इससे आपके बच्चों का पेट तो भरेगा ही, साथ ही साथ उनको पोषक तत्व भी जाएंगे। मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप के करीबन चावल का आटा और उसमें डालेंगे हम लगभग 4 से 5 चम्मच दही। इसमें डाला है मैंने पिज्ज़ा सीजनिंग, नमक टेस्ट के अनुसार और काली मिर्च का पाउडर। दही डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच और बाकी इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और एक अच्छा सा पतला सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। इसके अंदर लम्स ना रहें इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। इसको तब तक चलाना है जब तक कि इवन बैटर ना हो जाए। जितना हम पैनकेक का बैटर पतला रखते हैं उतना ही इसका बैटर भी पतला रखना है। बेहतर होगा कि इसको विस्कर की हेल्प से अगर हम विस्क करेंगे तो ये बिल्कुल लम्स फ्री बनेगा। इसके बाद जो भी आपके पसंद की सब्जियाँ हैं वो इसमें डाल दीजिए। मैंने तो शिमला मिर्च, गाजर और अनियन डाली थी और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आधा पैकेट फ्रूट सॉल्ट का डालना है। अगर आप फ्रूट सॉल्ट यूज़ ना करना चाहें तो आप सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, खाने वाला सोडा, लेकिन अगर आप फ्रूट सॉल्ट डालेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा, इस ज़्यादा राइस होता है ये। इसके बाद में राइस होने के तुरंत बाद ही आपको किसी भी नॉनस्टिक पैन में हल्का सा घी लगा करके इसको सेक लेना है। क्रंची चाहते हैं तो दोनों साइड से इसको अच्छे से पका करके सेकें। मुझे थोड़ा सा एक साइड से क्रंची पसंद है, दूसरे साइड से सॉफ्ट पसंद है, इसलिए एक साइड से क्रंची और दूसरे साइड से सॉफ्ट मैंने इसको पकाया है। इस तरीके से अगर आप बच्चों को देंगे बच्चे भी बहुत खुश होंगे और आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने बच्चों को अच्छा दिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आती रहती हूँ। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।